अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन जिक्र के बारे में और बेचैन दिलों को चैन दिलाने वाले कुरानी वजीफे के बारे में, और अगर एक इंसान दबाव में हो तो उसे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से वो निजात पा सकता है। दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन जिक्र से। दोस्तों ये बेहद आसान है और तमाम मुसलमानों को ज़ुबानी याद भी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मायने है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। दोस्तों आप इस बेहतरीन जिक्र से बेहद सवाब कमा सकते हैं, बस आपको इसे पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि दुनिया से अगर हम कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं तो वह हमारे आमाल हैं। अब हम दिलों को चैन और सुकून दिलाने वाली दुआ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी बेहद आसान है, आपको कुरान मजीद के सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 28 में अल्फाज मिलेंगे। आपको बस अपने दिल पे हाथ रख के ये अल्फाज पढ़ते रहना है, इन्हें दोहराते रहना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, जिसका मफहूम है याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिल इत्मीनान पाते हैं। दोस्तों आप बहुत जल्द पढ़ते पढ़ते फ़र्क महसूस करेंगे और आपका दिल चैन और सुकून पाएगा। दोस्तों अगर आप दबाव यानी स्ट्रेस में हैं तो ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, जिसका मफहूम है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, बेशक मैं ज़ालिमों में से था, सूरह अंबिया आयत नंबर 87। दोस्तों कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई इल्म नहीं, ना इसके बराबर कोई और किताब है। एक तो आप लोग सवाब कमाएंगे, दूसरा अल्लाह आपकी हिफाजत करता रहेगा, इसलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और आपस में तफरका ना करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।